और दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो ये है इस प्लेलिस्ट की फिफ्थ वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम होस्टिंगर पे एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे, और उसमें जो इनिशियल जो भी सेटिंग्स वगैरह करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है, जो आपको मस्ट टू हैव इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है आपको अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट चलाने के लिए, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले जस्ट अ क्विक रिकैप, जो हमने अभी तक किया है पिछले 4 वीडियोस में हमने सीखा है कि कैसे जो ब्लॉगिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे आप जो है क्विकली ग्रो कर सकते हैं ब्लॉगिंग वगैरह में, और वो कौन सी 20% चीज़ें हैं जो करने से हमें 80% बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो गोल है कि हम जो वो 20% चीज़ें पहले करेंगे जिससे हमें 80% बेनिफिट होगा। और उसके बाद हमने सीखा था कैसे आप नए नए टॉपिक ढूंढ सकते हो ब्लॉगिंग वगैरह लिखने के लिए। उसके बाद हमने सीखा डोमेन नेम क्या होता है, या जो वेब होस्टिंग है वो क्या होता है, कैसे आप जो है चीप डोमेन नेम, चीप एंड बेस्ट डोमेन नेम ढूंढ सकते हो, कैसे आप जो है होस्टिंग, डिफरेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हो। उसके बाद हमने सीखा था कैसे आप डोमेन नेम, जो भी जिस भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से आपने डोमेन नेम लिया है उसको यूज़ करके कैसे आप जो है अपने वेब होस्ट को मैपिंग कर सकते हो, वेब होस्ट को पॉइंट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, हमारी वेबसाइट जो है, जो हमने नया डोमेन नेम खरीदा था वो चलने लगी है अब। लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी होस्टिंग भी ले रखा था होस्टिंगर से, सो इस केस में मैं एक नई वेबसाइट, बिल्कुल नई वेबसाइट बनाने वाला हूँ वर्डप्रेस को यूज़ करके, और जो वो वेबसाइट बनेगी वो बनेगी होस्टिंगर पे, क्योंकि जो मैंने होस्टिंग है यहाँ पे ले रखा है। लेकिन आपने अगर होस्टिंग ले रखा है जैसे बिग रॉक से या किसी और प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ये फैसिलिटी है वर्डप्रेस यूज़ करने की, तो उस केस में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिए, वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपका जो काम है बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली अगर आपका टारगेट है जल्दी से जल्दी एडसेंस अप्रूवल लेना, तो उस केस में आपको वर्डप्रेस फ्रेमवर्क ही यूज़ करना चाहिए। उसकी वजह से आपको जल्दी से जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। वर्डप्रेस जो है कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, यानी आपको एक रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ता है, और ज़्यादातर जितने भी, आई थिंक मैं बोलूँगा 99% जो है डोमेन होस्टिंग, जो डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं या फिर मैं बोलूँगा वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, उनके पास ऑलरेडी फैसिलिटी रहती है वर्डप्रेस वगैरह यूज़ करने की, तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ वर्डप्रेस वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस बेसिकली एक वेबसाइट बिल्डिंग फ्रेमवर्क है। वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो वर्डप्रेस आपको फंक्शनैलिटी देता है कि जैसा आप ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह करके बहुत सी ब्यूटीफुल जो है वेबसाइट बना सकते हो। कुछ आपको थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि बहुत से जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं या बहुत से प्रोग्रामर्स हैं वो प्लगइन वगैरह लिख के इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए वर्डप्रेस में प्लगइन होता है, कोई भी फीचर आपको इनेबल डिसेबल करना है वो बहुत क्विकली आप कर सकते हो वर्डप्रेस में। उसके अलावा कुछ पेड सर्विसेज भी होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज उसके पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है हम फ्री के जितने भी ऑप्शंस है वर्डप्रेस में वो यूज़ करके बहुत ही एक इफेक्टिव ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, जिसका एडसेंस अप्रूवल आपको विद इन 2 वीक्स हम लोग टारगेट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो विद इन 2 वीक्स हमें जो है एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो ध्यान में रखिए, हमने जो 19 मार्च यानी कि कल शुरुआत की थी इसकी, और कल तो सिर्फ हमने बेसिक चीज़ों की बात की थी, लेकिन आज जो है हमने डोमेन नेम खरीदा है 20 मार्च को, तो हमारा जो टारगेट है कि विद इन 2 वीक्स यानी कि 5 अप्रैल तक एक जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना, उसको रेडी करना, उसमें कंटेंट डालना, उसके बाद उसका जो है गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना। तो इसके लिए अगर आपको ये करना है, इसके लिए जो भी जितने भी चीज़ें मैंने बताया है सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, और होपफुली विद इन 2 वीक्स जो है हमें एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हम लोग जो थे हमने डोमेन नेम की कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी, तो टेक बस गाइड जो है वो पॉइंट कर रहा था हमारे नए वाले सर्वर को। लेकिन अब मैंने क्या किया, क्योंकि अब मैं जो होस्ट करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट वो मैं होस्टिंगर पे करने वाला। आप देखोगे यहाँ पे बिजनेस दिखा रहे हैं, यानी कि मेरा जो प्लान है मैंने ऑलरेडी बिजनेस प्लान ले रखा था जिसमें लगभग मैं 100 वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ। मैंने आप यहाँ देखोगे 3-4 वेबसाइट मेरी ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पे जाके मैं ऐड वेबसाइट में जाके अपनी जो नई वेबसाइट है, जो नया डोमेन नेम हमने ख़रीदा है वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होती है डोमेन वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की, तो हम लोग जाएंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी सबसे पहले जो नया डोमेन नेम मैंने ख़रीदा है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, तो उसको डालने के लिए हमें जो है हमें चाहिए डोमेन नेम। अब मैं थोड़ा डोमेन नेम भूल गया हूँ, या उसका नाम था TechBuzzGuide.com। ओके, तो मैंने TechBuzzGuide.com डाला। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, ये जो पासवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखिए, क्योंकि
क्योंकि आपकी जो वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे वो इसी से करोगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो भी मेरा पासवर्ड है, उसके बाद मैं क्लिक करने जा रहा हूँ ऐड वेबसाइट पे। अब ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये बाकी की ऑप्शन देगा। तो देखते हैं पहले बाकी की ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शन देता है ये होस्टिंगर। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी होस्टिंगर पे ही करो, ताकि आप एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो कर सको जो मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी किसी और वेब सर्विस प्रोवाइडर वगैरह पे हो तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्टेप्स डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखोगे techbusguide.com है जो वो ऐड हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये अगर कुछ पासवर्ड सेव वगैरह की क्रोम की ऑप्शन आ रही है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो मैनेज पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ बहुत सी डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से पूरा जो है आपका साइट है वो कंट्रोल होगा। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, अब जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ होस्ट हो रही है होस्टिंगर पे। तो जैसा मैंने आपको बोला था, कहीं कभी भी आप किसी सर्वर पे अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे तो उस सर्वर की एक आईपी एड्रेस होगी। तो ये वाला जो सर्वर है उसकी आईपी एड्रेस है ये वाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला जो आईपी एड्रेस है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डोमेन नेम में जाके ए एंट्री में डाल दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं डीएनएस में जाता हूँ तो मैंने ऑलरेडी ये वाला यहाँ देखी होगी, तो मैंने ए रिकॉर्ड में ये जो नया आईपी है वो डाल दिया था, और गूगल वाला आईपी एड्रेस जो था वो हटा दिया था। क्योंकि जो लास्ट में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वो सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था, जो मेरी एक्चुअली ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो मैं यहाँ होस्टिंगर पे क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ए रिकॉर्ड में ये नया आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया है, जो कि आईपी एड्रेस है ये वाले सर्वर का, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बहुत ही क्विकली जो है आपको ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करने का। वैसे वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा फीचर्स है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम जो फोकस है या हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑटो इंस्टॉलर पे। देखो हम वेबसाइट वाले ऑप्शन में गए हैं, हमें सेलेक्ट करना है ऑटो इंस्टॉलर। तो हमने क्लिक किया ऑटो इंस्टॉलर पे। इसके बाद जो है ये पूछेगा कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, कौन से टाइप का फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आपको अगर पता हो तो वर्डप्रेस के अलावा जो है जूमला भी बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वर्डप्रेस पे जाना चाहता हूँ। क्योंकि याद रखिए हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हमें 2 वीक्स में वर्डप्रेस पे साइट क्रिएट करके उस पर कुछ ब्लॉग्स डाल के जो एडसेंस अप्रूवल लेना है। तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया। उसके बाद है ये पूछ रहा है कि जो आपका डोमेन नेम है, तो दिस इज़ फाइन, यही हमारा डोमेन नेम है। उसके बाद जो है एडमिन यूज़र नेम वगैरह और पासवर्ड वगैरह आपको डालना है। तो यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम ऑलरेडी डाला हुआ है, पासवर्ड में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। एडमिन ईमेल भी ऑलरेडी डाला हुआ है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे बाकी अकाउंट चल रहे थे। यहाँ पे ये पूछ रहा है एक्चुअली आपके वेबसाइट का टाइटल क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट है वो टेक सपोर्ट के लिए, तो इसको लेसे हम नाम देते हैं टेक बस गाइड ही बोलते हैं हम लोग इसको। ये टाइटल मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे दिखता है, जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो वहाँ पे ये टाइटल ऑटोमेटिकली दिखा रहा होगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी के लिए यही डाल देते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एडमिन अकाउंट दिखा रहा है, इसी अकाउंट से हमें लॉगिन करना है वर्डप्रेस में, ठीक है। तो जो भी डिटेल आप यहाँ डाल रहे हो एडमिन वाले में, ध्यान से डालो, केयरफुली डालो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एवरीथिंग इज़ लुकिंग ओके। डेटाबेस पासवर्ड में अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वर्डप्रेस जो है वो एक डेटाबेस यूज़ करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है MySQL डेटाबेस यूज़ करता है। तो इस केस में हम लोग जो है होस्टिंगर ऑटोमेटिकली डेटाबेस वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करेगा, आपको सिर्फ पासवर्ड बताना है। तो जो होस्टिंगर है वो आपका जो काम है बहुत आसान कर रहा है, यानी कि आपका जो पूरा वेबसाइट इंस्टॉलेशन वगैरह का काम है वो पूरा होस्टिंगर टेक केयर कर रहा है। आपको बस ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहा है इंस्टॉल वर्डप्रेस के लिए वो आपको फिल करना है, और आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। यानी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा आपका काम है वो आसान कर रहा है होस्टिंगर। तो ये इट इज़ नॉट ओनली अबाउट होस्टिंगर, जितने भी वर्डप्रेस होस्ट जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, अगर उसमें फैसिलिटी है वर्डप्रेस वेब होस्टिंग की, तो वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ड्रिवन ही होता है। उसमें आप डिटेल डालिए तो वो बहुत आसानी से आपका पूरा जो सेटअप कर देते हैं। और अगर आप जो है गूगल क्लाउड वगैरह पे VM वर्चुअल मशीन लेके खुद से अगर वर्डप्रेस सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो उसमें थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाइज़, वो इतना ईजी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो एक नया वर्डप्रेस साइट बन गया है जिसका नाम है techbusguide.com। ओके, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में यहाँ दिखा रहा है techbusguide.com। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ techbusguide.com पे, और आप देखोगे ये अभी भी हमें एक्चुअली लेकर जा रहा है पुरानी वाली वेबसाइट पे।
ओके, बिकॉज ये जो DNS नेम एंट्री है ये अभी पूरी तरह से प्रोपेगेट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी हम यहाँ चेंजेस करते हैं ए रिकॉर्ड में, इसको टाइम लगता है चेंजेस होने में, तो ये ले सकता है आपका लगभग 24 घंटे तक ले सकता है इसको रिफ्लेक्ट करने में। तो अभी क्या हो रहा है, अभी पुराना ही आई थिंक लोड होने वाला है। तो आपने देखा ये अभी भी जो ये डोमेन नेम है ये पुराने वाले जो गूगल पे हमारी वेबसाइट डली हुई है उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो पुरानी वेबसाइट लोड हो गई। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, हम लोग इंतज़ार करेंगे उस टाइम तक का जब तक ये प्रॉपरली जो DNS नेम है प्रोपेगेट नहीं हो जाता, उसके बाद ही जो है हम अपनी नई वाली वेबसाइट ओपन कर पाएंगे। तो लेट्स वेट, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी देर के बाद जो है techbusguide.com का यहाँ लाइव DNS चेकर में प्रोपेगेशन चेक कर रहा था, तो नई IP है जो ऑलमोस्ट हर जगह पर आ गई थी। उसके बाद मैंने techbusguide.com दोबारा ओपन किया, तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंटेंट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जो भी आपका वेब URL है उसके एंड में आप डालो wp-admin। wp-admin क्या करता है, ये जो है वर्डप्रेस एडमिन का जो है एडमिनिस्ट्रेटर विंडो है। यहाँ पे जाके आप जितना भी काम कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड करोगे वो यहाँ जाकर करोगे। तो जब आप डालोगे wp-admin, ये आपसे मांगेगा आपके क्रेडेंशियल्स। ये वही वाला यूज़र नेम पासवर्ड है जो कि आपने डाला था यहाँ पे जब हम लोग होस्टिंगर में इसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो सेम आपको यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपने क्रेडेंशियल्स। तो दोस्तों जब आप wp-admin पे लॉगिन कर लोगे, एडमिन कंसोल कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब सबसे पहले जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो हमें क्या करना है, हमें सेटअप करना है अपनी वेबसाइट, हमें प्रॉपरली अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है थीम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे हम लोग जाएंगे अपेयरेंस में, अपेयरेंस में हम लोग जाएंगे थीम्स में। और जब आप यहाँ थीम्स में जाओगे, थीम्स में हमें क्या करना है, वर्डप्रेस ऑलरेडी जो कुछ 3-4 यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम देता है, मुझे ये थीम इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या यहाँ एड न्यू में जाके नई थीम इंस्टॉल करनी है। तो हम लोग करने वाले हैं एस्ट्रा थीम इंस्टॉल, ठीक है। एस्ट्रा आपको ये स्पेलिंग लिखने हैं ASTRA, और उसके बाद ये जो थीम आपको दिख रहा है एस्ट्रा का, इसको इंस्टॉल कर लो। एस्ट्रा थीम जो है बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आपको बहुत अच्छा यानी कि लुक एंड फील है इसका, और बहुत से एडिशनल ऑप्शंस है। बहुत प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट या बहुत प्रोफेशनल लुकिंग वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉगिंग वेबसाइट आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, तो इसीलिए मैं जो है एस्ट्रा को प्रीफर करता हूँ। अगेन दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करते चले जाओ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है हमारी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी एक स्टेटस पे पहुँच गई होगी, और बहुत ही उसमें जो आप देखोगे ओवरऑल वेबसाइट की क्वालिटी प्लस जो पोस्ट की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी होगी, और सब कुछ अगर सही रहा तो हमें विद इन 2 वीक्स जो है एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें आफ्टर इंस्टॉल हमें करना है एक्टिवेट पे क्लिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कोई और जो थीम थी वो एक्टिवेटेड थी, हमने एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद ये वाली जो एक्स्ट्रा थीम है इसे एक्टिवेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बाकी जो थीम है वो भी यहाँ पड़ी हुई है, ये डीएक्टिवेटेड स्टेटस में है लेकिन ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ ये जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, क्योंकि जितना आप कम से कम अपनी साइट पे रखोगे इनएक्टिव चीज़ें उतना आपकी जो वेबसाइट है अच्छा परफॉर्म करेगी, फास्टर परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा थीम्स है इनको डिलीट करने के लिए 1 by 1 आप जैसे ये 2019 थीम है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, डिलीट पर क्लिक कीजिए। ये कन्फर्मेशन मांगेगा, ओके कर दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद सिमिलरली फिर से जो नेक्स्ट थीम है उस पर जाइए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। जस्ट मेक श्योर कीजिए आप एक्स्ट्रा थीम डिलीट नहीं कर रहे हैं, आपको बाकी सारी थीम डिलीट कर देनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ओके, तो हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे हमारी चल रही है। उसके बाद हमें जो सेकंड चीज़ करनी है वो करनी है, हमें डालना है प्लगइन। प्लगइन में जाके हमें यूज़ करना है, प्लगइन्स में हमें जाना है और सेलेक्ट करना है एड न्यू, और हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं एक प्लगइन विच इज़ कॉल्ड एलिमेंटर। एलिमेंटर प्लगइन जो है वो यूज़ हम लोग करेंगे जो भी वेब पेजेस हैं उसको बनाने के लिए। तो थीम क्या करता है, वो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसमें आपकी हेल्प करता है, लेकिन जो एलिमेंटर है वो आपको हेल्प करेगा आपके इंडिविजुअल पेजेस बनाने में। जैसे आप देखोगे किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ, और ये इंस्टॉल हो रहा है। इतने बीच में मैं आपको बताता हूँ, किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो देखते हो आप बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया। तो ये सारे जो पेजेस है वो बनाने के लिए जो एलिमेंटर है उससे बहुत ही क्विकली आप बना सकते हो वो सारी चीज़ें।
और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे विद इन 30 मिनट्स जो हमारी वेबसाइट है वो सडनली बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अभी आपने देखा है हमारी वेबसाइट कैसी बेकार सी लग रही थी। अब हमने क्योंकि नई थीम डाल ली है नई एक्स्ट्रा, उसके बाद देखते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी आप देखोगे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट लुक में चेंज नहीं आया, अभी भी लगभग लगभग सेम ही लग रही है वेबसाइट। ठीक है, तो हम लोग उसको अभी ये सारा जो आप देखोगे पूरा इसका लुक एंड फील बिल्कुल चेंज होने वाला है। सडनली आप देखोगे जो वेबसाइट है बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाली है। तो यहाँ पे एलिमेंटर जो है इंस्टॉल हो गया, अब हमें क्लिक करना है एक्टिवेट पे। एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट योर फर्स्ट पेज, तो इट्स ओके, लेट्स क्रिएट अवर फर्स्ट पेज। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट योर फर्स्ट पेज पे, और हम जो फर्स्ट पेज बनाएंगे उसको ऑब्वियसली हम अपना फ्रंट पेज बनाएंगे, यानी होम पेज बनाएंगे, जिस पे कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट का नाम डालेगा तो सबसे पहले उस पेज पे जाएगा। और हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन है ऐड टेम्पलेट, तो हम लोग क्लिक करेंगे ऐड टेम्पलेट पे, और एक ऑलरेडी वेबसाइट होगी यहाँ पे, यानी कि टेम्पलेट टेम्पलेट क्या है, जिसमें ऑलरेडी बहुत से पेजेस बने होते हैं, हम कोई भी पेज जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे इस वाले पेज पे, ये वाला जो पेज है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसको मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। अब एक चीज़ आप देखोगे एलिमेंटर के पेजेस जो टेम्पलेट है वो तभी आप यूज़ कर पाओगे अगर आपने जो है कनेक्ट किया हुआ है अपने एलिमेंटर को एलिमेंटर यूज़र अकाउंट से, यानी कि आपको एलिमेंटर पे जाके अपना एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए, और जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि कनेक्ट योर साइट टू टेम्परेरी लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना यूज़र जो है बना रखा है, ठीक है, इसलिए मुझे ऐसी ऑप्शन दे रहा है। आपको अगर साइनअप वगैरह करने के लिए बोलता है तो आप साइनअप कर लो। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, टेकबज, ये जो techbuzzguide.com है और ये जो यूज़र है इन सबको कनेक्ट कर देगा, तो विच इज़ ओके, हमने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बस आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपका जो काम है आपको ब्लॉगिंग करना है, आपको इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाना है। अब यहाँ पे इस वाले को हम क्लोज कर देते हैं और लेट्स लीव इट। हम लोग फिर से जाएंगे न्यू पे जाके भी आप पेज क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग गए न्यू पे के बाद जाइए पेजेस पे, और पेजेस के बाद हम देखेंगे ऑप्शन आएगी पेजेस क्रिएट करने की, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे इसको अगर कुछ डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो उसको क्लोज कर दो। यहाँ पे देखोगे जब भी हम पेज एडिट करने जाएंगे तो ऊपर टॉप पे ऑप्शन दे रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंटर जो है वो बहुत सारी फैसिलिटी देता है पेजेस को एडिट करने के लिए, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस का एडिटर होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता है, उसमें कम फीचर्स होते हैं। पावरफुल तो खैर होता है लेकिन उसमें फ़ीचर्स कम होते हैं। अब फिर से मैं यहाँ टेम्पलेट पे क्रिएट करूँगा और उसके बाद जाऊँगा पेजेस पे, पेजेस में जो पहले हमने सेलेक्ट किया था सिमिलरली मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, और इस बार हमने क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है तो ये पेज जो है डायरेक्टली इम्पोर्ट हो जाना चाहिए इस पे होम पेज में। तो दोस्तों ये जो देखो आपने ये जो पेज है हमारा एज इट इज़ आ गया है। अब हम क्या करेंगे इस पेज में जो भी हमें थोड़ी बहुत सेटिंग चेंजेस करने हैं वो हम लोग कर लेंगे क्विकली। तो दिस इज़ फाइन, यहाँ पे लोगो है, लोगो दिस इज़ आल्सो ओके फॉर नाउ, और यहाँ पे बता रहा है योर ड्रीम वेकेशन, ओके। सो ये जो है कुछ वेबसाइट है दैट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली वेकेशन। अब हमें इसे जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम लोग इसे बना देंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये जो पीछे होम पेज है उसको चेंज करना है। तो आपको इमेजेस के लिए एक वेबसाइट बताता हूँ, आप जा सकते हो अनस्प्लैश पे, unsplash.com पे जाके आप जो हैं जितनी मर्जी इमेजेस हैं यूज़ कर सकते हो, ये सारी जो है फ्री इमेजेस हैं, और इसको यूज़ करने पे कोई भी आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, कोई भी जो है कंप्लेंट नहीं आएगी आपके खिलाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ टेक्नोलॉजी, ओके, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोई इमेज होगी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो कीवर्ड है वो चेंज कर दिया, मैंने मशीन लर्निंग सर्च किया और ये वाली जो इमेज है ये सही लग रही है, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और वी विल ट्राई टू अपलोड दिस इमेज। उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे हमें जाना है अपलोड इमेज पे, गो टू सेलेक्ट फाइल्स, और उसके बाद जो आपकी इमेज है उसको अपलोड कर दीजिए। ओके, इस बार ये जो इमेज है वो प्रॉपरली चली गई है, अपलोड हो गई है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डालना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग डालते हैं होम पेज बैनर। इसको अगर नहीं डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी सर्च इंजन है वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का ऑल टेक्स्ट ज़रूर डालो, और मैंने टाइटल भी डाल दिया, कैप्शन में भी ये होम पेज बैनर डाल दिया। इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करो, और अब आप देखोगे ये जो पीछे जो इमेज थी वो चेंज हो गई है। एक्चुअली ये इमेज बहुत बेकार लग रही है, तो मैं इसको फिर से चेंज करने वाला हूँ।
तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं इन सब में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगता है। जब भी आप करोगे अपनी वेबसाइट बिल्कुल एज अ न्यू वेबसाइट बना रहे हो उसमें थोड़ा बहुत टाइम आपको ज़रूर स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप बिल्कुल चाहते हो सिर्फ ब्लॉगिंग पे फोकस करना तो उस केस में आपको ये सारा जो काम है वो आउटसोर्स कर देना चाहिए, यानी किसी ऐसे बंदे को दे देना चाहिए जो कि इन सब चीज़ों की समझ रखता है और आपका काम जो है वो आसान कर दे। तो उसके लिए आप जो फाइवर वगैरह पे या जो फ्रीलांसर वगैरह पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो उन लोगों से जो कि आप क्विकली आपको ये वेबसाइट बना के दे देंगे। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप जो है सिर्फ कंटेंट राइटिंग पे फोकस कर पाओगे। अगर आप देखोगे तो ये सब सेटअप करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि फर्स्ट लुक में लगता है, बट एनीवेज इतना मुश्किल भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो लोगो है इसको हटा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको डालते हैं टेक बस गाइड। ओके, तो ये ठीक ठाक लग रहा है, मीन इट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे देखो जो आ रहा है टॉप पे, ये है टाइटल, ये वो वाला टाइटल है जो हमने इनिशियली लिखा था जब हम लोग यहाँ पे होस्टिंगर में सेटअप कर रहे थे। तो ये वाला हम लोग अगर आपको रखना है रख सकते हो, अगर हटाना हो तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पे जो सोशल मीडिया के आइकॉन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। एडिट पे के बाद यहाँ पे जो है फेसबुक दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो है लिंक डाल सकते हो अपने फेसबुक का। उसके बाद यहाँ पे आप ट्विटर का लिंक डाल सकते हो, सिमिलरली आप गूगल प्लस वगैरह का लिंक डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको और भी सोशल मीडिया ऐड करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिए ऐड आइटम पे जाइए और यहाँ पे जो आइकन लाइब्रेरी में आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे हमें इंस्टाग्राम यूज़ करना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करो। अब जो है इंस्टाग्राम का देख रहे हो आप आइकन आ गया है। उसके बाद जैसे मेरे को और भी ऐड करना है, मेरे को स्काइप ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ आइकन लाइब्रेरी पे जाके स्काइप या फिर लेट्स से टम्बलर वगैरह भी ऐड कर लेते हैं। बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो और बेटर मैं यहाँ पे अभी टेलीग्राम इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप जो है बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह है वो सब यूज़ कर सकते हैं। इन सबको यहाँ पे बस URL आपको डालना है सब किसी हर किसी के अंदर जाके और आपके ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा होम पेज लगभग रेडी हो गया। यहाँ पे बोल रहा है योर ड्रीम वेकेशन इज़ हेयर, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको जैसे हम लोग बोलते हैं तो इसको मैं लिख रहा हूँ रीड अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। अगेन जो थोड़ा बहुत आपको टाइम इसमें ज़रूर लगेगा ये पूरा सेटअप करने में, यहाँ पे बुक अनाउ की जगह मुझे बुक अनाउ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ को आपको चेंज करना है उसके लिए उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसको बुक रूम की जगह हम लोग कर देते हैं रीड मोर, क्योंकि कोई भी बंदा हम यहाँ पे लिख रहे हैं लर्न अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेगा रीड मोर पे। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हैं काइंड ऑफ ये ब्लॉक्स हैं, इसको अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। अभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको अभी भरनी है। तो टिपिकली अगर आपको इन सब में चेंजेस करना है तो बहुत आसान है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ इन्जॉय सम ऑफ योर टाइम पे क्लिक किया तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ये जो मेरी वेबसाइट है उस पर मैं इनिशियली जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक लिखूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको टाइटल दे देते हैं, इसको लिखते हैं हाउ टू बी अ ब्लॉगर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें हम लोग टेक्स्ट डाल देंगे, बीइंग अ ब्लॉगर इज ईजी इफ यू नो ओके। तो सिमिलरली आप कंटेंट लिख सकते हो जिससे यहाँ का कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रीड मोर इज़ फाइन, रीड मोर पे क्लिक करने के बाद हम लोग इसको लिंक कर देंगे अपने नेक्स्ट पेजेस से। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कैसे करेंगे। और यहाँ पे हाउ टू बी अ ब्लॉगर, यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज है, इस इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इस केस में अगर यहाँ पे लेट्स ट्राई करते हैं कि यहाँ पे मिलता है कि नहीं, बट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमें यहाँ पे कोई ऐसी इमेज नहीं मिलेगी जो कि हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कैनवा एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप बहुत से अच्छे इमेजेस वगैरह बना सकते हो। उसके लिए मैं जाता हूँ canva.com पे। canva.com पे जाने के बाद आपको जो है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं जा लॉग इन विद फेसबुक पे जाके सीधा सीधा कनेक्ट कर लूँगा। कैनवा जो है बहुत से फ्री ऑप्शन देता है, उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको जो है पे पर मंथ बेसिस पे खरीद भी सकते हो कुछ चीज़ें। तो आप देखोगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है
एडिटिंग जो की है वो मैंने यहाँ पे की थी। जैसे अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली थी तो उसका जो है मैंने यहीं पे बनाया था थंबनेल। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, मैं इनफैक्ट बोलूँगा 90-95% जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो कैनवा वगैरह ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें ब्लॉगिंग से रिलेटेड डालना है तो लेट्स से हम लोग जाते हैं फ़ोटोज़ में। ये जो कैनवा यूज़ करने का आप देख लेना, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल होंगी। यहाँ पे सिंपल हम लोग ब्लॉगर लिखते हैं और इसमें जितनी भी इमेजेस दिखा रहा है फ्री फ्री फ्री, उन सबको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ ब्लॉग, ब्लॉगर, और लेट्स सर्च विद ब्लॉग। आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड के साथ सर्च कर सकते हैं जब तक आपको जो अपनी मनपसंद जो इमेज है वो नहीं मिलती। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया टिप्स टू बी अ सक्सेसफुल ब्लॉगर। यहाँ पे आप प्लस या माइनस पे क्लिक करके फॉन्ट जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। अगेन गाइज, ये जो कैनवा है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में बताने लग जाऊँगा तो काफ़ी टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली यहाँ से आप सारे चेंजेस वगैरह कर सकते हो। और कैनवा का थोड़ी और डिटेल में आप देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जो कुछ ओपन एरिया है, अगर चाहो तो यहाँ पे आप कुछ इमेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे ये वाला जो ब्लॉगर लिखा हुआ है इसको यूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए बस मैं क्विकली जो है इमेजेस वगैरह डाल रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में इसको चेंज करूँगा। बाद में जो है मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इमेजेस वगैरह लगाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज़ लुकिंग फाइन। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करके हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और मैं उसके बाद जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे। हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट मॉडिफाई कर रहे थे, ये एक्स्ट्रा टैब है इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपनी साइट मॉडिफाई कर रहे थे, हमें जाना इस इमेज पे। इमेज पे क्लिक करने के बाद या तो आप राइट क्लिक करके एडिट इमेज पे क्लिक कर लीजिए या फिर ये जो पेंसिल आइकन है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में आप देखोगे ऑप्शन आ गई है चूज़ इमेज की, तो उस पर क्लिक कीजिए और जाइए अपलोड फाइल्स पे, क्लिक कीजिए सेलेक्ट फाइल्स पे, और यहाँ पे टॉप में फिर से आप जाओ डाउनलोड्स पे। डाउनलोड पे जाने के बाद ये जो आपकी है टिप्स टू, जो भी आपने इमेज अभी अभी रिसेंटली डाउनलोड किया था कैनवा से, उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और जैसा कि मैंने बोला था, हर इमेज का आपको ऑल टेक्स्ट जरूर लिखना है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग टिप्स। और यहाँ पे सेम हम लोग टाइटल वगैरह जहाँ भी आप चाहो डाल सकते हो। उसके बाद क्लिक करो इंसर्ट मीडिया पे। अब आप देखोगे ये जो है इमेज आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं जो है बाकी भी जो मेरे बाकी आर्टिकल्स होंगे कुछ उसके लिंक यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, ये आपका होम पेज लगभग रेडी हो गया। अब जो एक्स्ट्रा जो इमेजेस हैं अभी के लिए या तो आप हटा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इस ब्लॉक को आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ जस्ट कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए और ये ब्लॉक हट जाएगा। सिमिलरली इसको भी हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो भी हट गया है। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज है जो ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं पब्लिश पे। ठीक है, तो आपका होम पेज अब रेडी है। एक चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव मोड की, तो रिस्पॉन्सिव मोड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा रहा है डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल। तो डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट है, तो डेस्कटॉप पे आपको वेबसाइट ऐसी दिखेगी। अगर आप क्लिक करते हो टैबलेट पे तो आपको जो है आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, यानी कोई बंदा आपकी वेबसाइट अगर खोल रहा है टैबलेट पे तो उसको कुछ इस तरह का दिखेगा। और अगर आपको जानना है कि फ़ोन पे कैसा दिखेगा तो उसके लिए मोबाइल सेलेक्ट कीजिए। तो अगर कोई आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है तो उसको मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक चीज़ आपने देखा होगा कैसे ये जो सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं ये थोड़े से श्रिंक हो गए, जो कि इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ प्लस में जाके हम लोग मोबाइल वाले पे टेलीग्राम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर मैं टैबलेट पे जाता हूँ तो ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल में भी अब सब कुछ ठीक लग रहा है। ओके, तो आई थिंक दिस डिज़ाइन इज़ लुकिंग ओके। यहाँ पे जो आपका मेन्यू था वो यहाँ पे हो गया श्रिंक। मेन्यू में अभी सिर्फ सैम्पल पेज दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी कोई भी ज़्यादा पेजेस नहीं बनाए हैं, विच इज़ फाइन। अब हम लोग क्लिक करेंगे अपडेट पे। ओके, अब यहाँ से फिर से डेस्कटॉप मोड में आ जाते हैं। तो ये जो है आपका होम पेज रेडी हो गया है। अब अगर यहाँ पे मैं नया टैब खोलूं और उस पर डालूं techbusguide.com और एंटर मारूं, तो देखोगे आप हमारा जो पेज है वो अभी देखो होम पेज नहीं खुल रहा है, बिकॉज़ एक सेटिंग हमें और करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे techbusguide.com WP एडमिन में जाओ। तो उसके लिए या तो आप यहाँ पे जो हेडर बार में बाकी सब रिमूव कर दो, WP एडमिन पे जाके एंटर मारो। ठीक है, तो आप आ जाओगे एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल पे। वहाँ पे जाके हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है रीडिंग में।
रीडिंग में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्लेज में बता रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट, तो हमें ये नहीं सेलेक्ट करना है, हमें जाना है यहाँ स्टैटिक पेज पे, उसके बाद हमें जाना है एलिमेंटर 8। ये देखो एलिमेंटर 8 दिखा रहा है, ये आपका कुछ पेज नेम नहीं दिखा रहा है, तो हमने जो पेज का कोई नाम नहीं दिया है। अगर हमें पेजेस के नाम देने हैं तो उसके लिए हम जाते हैं पेज पे, पेजेस पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो ऑल पेजेस पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारे पेजेस बता देगा जो आपने अभी तक बनाए हैं। हमें क्या करना है, जो एलिमेंटर 8 वाला पेज है जो एक्चुअली हमने बनाया था उस पर हमें जाना है, हमें क्लिक करना है क्विक एडिट पे, और यहाँ पे जो टाइटल है पेज का इसे हम चेंज करके हम लिख देंगे होम, ओके, और दिस इज़ फाइन, इसको अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। और जो बाकी के पेजेस हैं, जैसे यार ये एलिमेंटर 5 है और ये सैम्पल पेज है, इनको हम लोग कर देते हैं ट्रैश, तो ट्रैश पे क्लिक कीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे जो भी पेज आप डिलीट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कीजिए या उस पर कर्सर लेकर जाइए और ट्रैश पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्लिक करने की ज़रूरत तब है आपको अगर आप मल्टीपल पेजेस पे एक्शन लेना चाहते हैं, अदरवाइज वन बाय वन अगर करना है तो सिर्फ वहाँ पे कर्सर लेकर जाइए, ऑप्शन आ जाएगी ट्रैश की, उसको ट्रैश कर दीजिए। तो दिस इज़ फाइन। अब हम लोग फिर से जाएंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जाएंगे रीडिंग, रीडिंग में अब यहाँ पे ऑप्शन आएगी स्टैटिक के अंदर, हमें दिख रहा होगा होम, अब हम सेलेक्ट कर लेंगे होम, उसके बाद क्लिक कीजिए सेव पेजेस पे, अब जो है ये सेटिंग आपकी सेव हो गई है। अब अगर मैं लिखता हूँ techbusguide.com या इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारा जो लेटेस्ट पेज हमने बनाया था वो खुलना चाहिए। तो आप देख रहे हो अब जो लेटेस्ट पेज हमने बनाया था वो खुल रहा है। अभी आप देख रहे होगे टॉप पे ये जो ब्लैक कलर की बार आ रही है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एज एन एडमिन लॉगिन हो, लेकिन अगर कोई विजिटर आएगा तो उसको ये वाली ऑप्शन नहीं दिखेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे ब्राउज़र पे, ये मैंने दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लिया और वहाँ पे हम लोग ये डालते हैं techbusguide.com और एंटर मारिए। अब यहाँ पे जिस तरह का आप दिखा रहे हैं वेबसाइट, जब कोई विजिटर आएगा तो उसको बिल्कुल इसी तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ऊपर आप देख रहे होगे यहाँ होम है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है बाकी मेन्यू आइटम्स बनाने हैं, तो हम जैसे जितने भी हमें बाकी के पेजेस क्रिएट करने हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपको जाना है न्यू पे, न्यू के बाद जाइए पेजेस पे, पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको वन बाय वन सारे पेजेस बनाने हैं, और जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वो होते हैं कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्टेक्ट अस और उसके बाद पब्लिश कर दीजिए। अभी हम सिर्फ सारे पेजेस बना लेंगे, हमें कुछ ज़्यादा अभी इसको पेजेस को एनहांस करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे टाइटल में कॉन्टेक्ट अस दिया और पब्लिश पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट। अब फिर से एक नया पेज बनाना है, उसके लिए फिर से या तो आप बैक कर लीजिए, उसके बाद फिर से न्यू पे जाइए, फिर से जाइए पेज पे, तो इस वाले पेज को हम लोग टाइटल दे देते हैं अबाउट, और फिर से पब्लिश पे क्लिक कीजिए, पब्लिश पे, उसके बाद ये भी पेज पब्लिश हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पे न्यू पे जाके फिर से एक नया पेज बनाइए, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, मुझे जाना है न्यू पे, न्यू के बाद जाना है आपको पेजेस पे, तो यहाँ पे जाइए न्यू पे, न्यू के बाद जाइए पेजेस पे, और यहाँ पे जो पेजेस का मैं नाम देने वाला हूँ इसको मैं नाम देने वाला हूँ ब्लॉग्स, ठीक है। तो दिस इज इनफ आई थिंक। अब जो अगर हम लोग अब जाएं और इसको देखें बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे जो हमारा होम पेज था इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे अब आपका अबाउट आ गया, ब्लॉग्स आ गया, कॉन्टेक्ट अस आ गया, होम आ गया, ठीक है। लेकिन इसकी ऑर्डरिंग बहुत ख़राब है, इसकी ऑर्डरिंग सही नहीं है। तो इसकी ऑर्डरिंग को सही करने के लिए, यानी कि जैसे हम होम पहले देखना चाहते हैं, उसके बाद ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, फिर अबाउट एंड देन कॉन्टेक्ट अस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जाना है होम पे और हमें जाना है एक्चुअली एडमिन कंसोल पे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ब्लैक बार, इस पे यहाँ पे टेकबस गाइड पे क्लिक कीजिए और आप आ जाओगे एडमिन सेक्शन में। यहाँ पे आपको जाना है अपेयरेंस में, अपेयरेंस के बाद जाइए मेन्यूज़ में, मेन्यूज़ में जाके आप जो है पूरा जो मेन्यू बार या मेन्यू आइटम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जब भी आप मेन्यू क्रिएट करोगे आपको मेन्यू का नाम देना होगा, तो इसको जैसे हम बोलते हैं मेन, या जैसे हम बोलते हैं हेडर मेन्यू, कोई भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो आप प्राइमरी मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, और अब यहाँ पे जो आपके पेजेस है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन सबको सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ये सारे मेन्यू जो है यहाँ ऐड हो चुके हैं।
एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपको इनकी ऑर्डरिंग चेंज करनी है तो बस इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लॉक के बाद कॉन्टैक्ट अस दिखाना है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ और दैट्स इनफ। उसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद मैं जस्ट यहाँ फिर से जाके चेक करता हूँ, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ ब्लॉग्स कॉन्टेक्टर्स एंड अबाउट ये प्रॉपर सही हो गया है। एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, अब जो आप देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे हेडर दिखा रहा है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें जाना है अपेयरेंस पे। अपेयरेंस में हमें जाना है कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ पे जाके आप जो अपना थीम है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अगेन जो बेसिक सी चेंजेस हैं हम वही करेंगे, उसके अलावा जो जितनी एडवांस चेंजेस हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, प्लस उसको इतने चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनिशियली इनिशियली जो आप अपनी वेबसाइट को बहुत सिंपल रखी है, सिंपल एंड स्वीट रखी है। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग जाएंगे हेडर बिल्डर पे। हेडर बिल्डर एक और जो शॉर्टकट है वो ये है कि डायरेक्टली जो भी जहाँ भी आपको चेंज करना है डायरेक्टली उस पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये जो टेक बस गाइड है ये जो टाइटल आ रहा है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने जो पेंसिल यहाँ पे है उस पर क्लिक किया और उसके बाद ये सारी ऑप्शन आ गई है। अब देखो यहाँ पे साइट टाइटल में बता रहा है टेक बस गाइड, ये मैंने आपको इनिशियली बोला था कि जो टाइटल है उसको आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो कुछ और लिख सकते हो। मेरे को दोस्तों यहाँ पे जो है टाइटल लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ भी टाइटल लिखा है और यहाँ भी है, तो मतलब रेपिटेशन हो रहा है। तो या तो आप यहाँ का टाइटल डिलीट कर दो या यहाँ का डिलीट कर दो। तो मैं एक्चुअली ऊपर वाला जो है डिसेबल करने वाला हूँ। उसको डिसेबल करने के लिए आपको जो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिस्प्ले साइट टाइटल की, इसको डिसेबल कर दो। अब ये वाला जो ऑप्शन है डिसेबल हो गया। और उसके अलावा क्या करना है, हमें यहाँ पे लोगो लगाना है। जो भी आपका लोगो होगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो लोगो बनाने के लिए अगेन आप जाओ यहीं पे कैनवा पे। कैनवा में आप लोगो वगैरह सब कुछ बना सकते हो। तो कोई भी आपको इमेज से रिलेटेड चीज़ है वो सीधे के सीधे आप जाके कैनवा में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लोगो। लोगो में जाने के बाद हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे लोगो। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ थोड़े बहुत से टेम्पलेट आ रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो है उसको थोड़ा बहुत एडिट करके उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा ढूंढने जा रहा हूँ जो कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा सिमिलर हो। या फिर आप ऐसा ही कर सकते हो, डायरेक्टली आप किसी को सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज़ लुकिंग गुड, दिस इज़ ऑल्सो एक्चुअली लुकिंग गुड। एक काम करते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ी बहुत हम चेंजेस यहाँ पे करके इसको अपना लोगो प्रॉपर बना लेंगे। अगेन अगर आपको लोगो वगैरह बाहर से बनवाना है वो भी आप कर सकते हो फ्रीलांसर वगैरह सर्विसेज यूज़ करके। यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो है उसको सर्च करते हैं। लेट से एलिमेंट में मैं गया, उसके बाद मैं कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने कुछ सर्च किया, क्योंकि जो हमारा है हम लोग बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए अगर कंप्यूटर या उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो दिखने में अच्छी लगेंगी। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो ये सब ऑप्शन है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, तो मैंने बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हटा दिए हैं और सिर्फ ये वाला हम अभी रख सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन गाइज, फॉर नाउ वी कैन कीप इट। ठीक है, बाद में अगेन आपको जितना मर्जी चेंज करना हो आप कर सकते हो, अभी के लिए हम लोग जैसे इसको इतना ही रहने देते हैं। दिस इज़ लुकिंग ओके। ठीक है, इसको हम लोग उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। अगेन जो आप लोग जो वेबसाइट बनाओगे उससे सिमिलर थोड़ा आपको लोगो होना चाहिए। ठीक है, लोगो जो वैसा होना चाहिए जो कि आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे तो जस्ट क्विकली मैंने आपको एग्जांपल के लिए ये वाला लोगो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने लोगो डाउनलोड कर लिया। अब हमें जाना है फिर से वहीं पर जहाँ पर हम थे, हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे हमने लोगो में जाके सेलेक्ट लोगो, सेलेक्ट लोगो के बाद अपलोड फाइल, और जो भी हमने ये डाउनलोड किया उसको आप अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट जरूर डालिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लोगो, यहाँ पे भी लोगो, दिस इज़ फाइन। सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर आप चाहे तो क्रॉपिंग कर सकते हैं, मैं स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करने वाला हूँ, तो ये स्किप हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका लोगो आ गया। अब लोगो बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको आप क्या है छोटा कर सकते हो। छोटा करने के लिए जो लोगो भी थे यहाँ पे इसको डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक दिस वन इज़ लुकिंग स्टिल वेरी बिग, तो
दिस वन इज़ लुकिंग ओके, आई थिंक ये वाला जो ये है अभी ठीक ठाक सा लग रहा है। ऑब्वियसली इसमें इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, बट फॉर नाउ दिस इज़ ओके, इसको इतना रहने देते हैं, ठीक लग रहा है ये। और अगर आप यहाँ पे साइट टाइटल फिर से इनेबल करते हो तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे आपका लोगो दिखेगा और यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको रखना है क्या नहीं, लेकिन मैं अभी के लिए तो ये हटा रहा हूँ टाइटल, अभी के लिए सिर्फ ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं पब्लिश पे। एक चीज़ और है, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो मैं आपको यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ वापस ग्लोबल मेन्यू पे। यहाँ पे आपको जाना है हेडर बिल्डर पे, हेडर बिल्डर के बाद आपको जाना है प्राइमरी मेन्यू पे। ये वाले पे जाने के बाद जो भी आप चेंजेस यहाँ करोगे वो ये वाले प्राइमरी मेन्यू पे अफेक्ट होंगे। अगेन इस टाइम पे मैं जो है इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने वाला नहीं हूँ। ये जो हमारी वेबसाइट है ये काफ़ी ठीक ठाक सी लग रही है, और हमारा ज़्यादा फोकस जो होने वाला है वो होने वाला है कंटेंट क्रिएशन पे। ठीक है, तो दिस इज़ लुकिंग ओके। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से दूसरे यहाँ पे जाता हूँ दूसरे ब्राउज़र पे और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें पता चलेगा हमारी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। ओके, तो ये वेबसाइट कुछ आपकी इस तरह की दिखने वाली है। अब ये थोड़ा आपका होमवर्क है कि ये सब चीज़ें जो है आप चेंज कर लीजिए। एक चीज़ है जो बहुत बेकार लग रही है वो ये है, कॉपीराइट यहाँ पर लिखा हुआ है @TechBuzz, यहाँ पावर्ड बाय एस्ट्रा थीम लिखा हुआ है, ये चीज़ आप नहीं देखना चाहते हो, मेरे को ये सही नहीं लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग फिर से जाएंगे अपेयरेंस पे। अपेयरेंस पे जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज़ पे। कोई भी चेंजेस आपको करने हैं हेडर या फुटर में, उसका मतलब है आपको जाना है अपेयरेंस में। अपेयरेंस में जाने के बाद आपको कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं वो आप कर रहे हो थीम्स में। तो अगेन हमें चेंजेस यहाँ करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो नीचे आके, और यहाँ पे आपको पेंसिल आइकन दिख रहा है, पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्ड बाय थीम ऑथर। ठीक है, तो पावर्ड बाय यहाँ पे थीम ऑथर हटा के आप लिख सकते हो, या तो अगर जो भी जिस बंदे ने भी आपकी वेबसाइट बनाई है वो सब लिख सकते हो, या जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इस केस में मैं सिर्फ इसको हटाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी लिखना नहीं चाहता। ठीक है, तो आपकी अब जो है इसको पब्लिश कर दो वापस, और दूसरे ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करो, और अब देखो ये कैसा लग रहा है आपका फुटर। ठीक है, तो अब जो फुटर है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, विच इज़ फाइन। इसको अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो इसको सेंटर अलाइन कर दो, राइट अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपका जो रेडी है। अब हम लोग फिर से जाते हैं यहाँ पे टॉप में जो मेन्यू है, जैसे मैं अगर ब्लॉग्स पे क्रिएट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो, तो हमने ब्लॉग्स पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये पेज अभी हमने बनाया नहीं था। सिमिलरली कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो हमने इन सब पेजेस में कोई भी एडिटिंग नहीं की है, तो इसकी वजह से ये जो अभी पेजेस हैं बिल्कुल ब्लैंक दिख रहे हैं। तो जैसे हमने ये अपना होम पेज चेंज किया है वैसे ही हम लोग बाकी पेजेस भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्लोज, ये जो कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए तो आप आ जाएंगे पीछे जो मेन आपका एडमिन मेन्यू था वहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद जो आपके बाकी पेजेस हैं उसको आप धीरे धीरे चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जाओ पेजेस पे, पेजेस पे जाने के बाद आप क्लिक करो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस सेशन पे आप क्लिक कर सकते हो एडिट, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से एडिट में जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटर, उस पर आप क्लिक कीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, उसके बाद जो है आप फिर से इसको एडिट कर सकते हैं। तो जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया था होम पेज को चेंज करने के लिए, सिमिलरली आपको फॉलो करना है बाकी पेजेस को चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं टेम्पलेट पे जाऊँ, टेम्पलेट पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैं जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट, उसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट पे जाने के बाद जो है एक ठीक ठाक सा जो मेरे को अभी दिख रहा है वो दिख रहा है ये फर्स्ट वाला है, इसी को ये, लेकिन प्रो है तो जो प्रो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है इट इज़ लुकिंग गुड, और ये फ्री भी है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। येस पे क्लिक कीजिए। तो देखो ये जो कॉन्टेक्ट अस पेज है ये यहाँ पे आ चुका है। अगेन आपको ये जो है आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज है इस पर आप राइट क्लिक करके स्टाइल में जाके यहाँ पे इमेज फिर से चेंज कर सकते हो, और सिमिलरली आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे विजिटर्स, ये कॉल अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सारी डिटेल जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो इसके बारे में अगेन मैंने एक ऑलरेडी पेज आपको एडिट करके दिखा दिया, तो बाकी सबको भी एडिट करने का सेम फंडा है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाते हैं बैक,
हम लोग जाएंगे वापस जो है एडमिन कंसोल पे। इसको लीव कर देता हूँ मैं। अभी ध्यान रखो मैंने अपडेट पे क्लिक नहीं किया था, यानी कि जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर मैं जाता हूँ कॉन्टेक्टस वाले पेज पे, तो अभी भी ये हमें वही पुराना दिखा रहा है, राइट, क्योंकि जो मैंने अपडेट पे क्लिक नहीं किया था। मैं एक्चुअली जाना चाहता हूँ एडमिन वाले पे, उसके लिए हम ये जो डब्ल्यू दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, आप लोग आ जाओगे फिर से वापस एडमिन कंसोल पे। और दोस्तों यहाँ पे जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपके पेजेस तो बन गए डिफ़ॉल्ट पेजेस, अब जो है आप अगर अपनी वेबसाइट में ऑप्शन चाहते हो यूज़र रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो उसके लिए हम जो सिंपल एक प्लगइन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा उसके लिए प्लगइन पे, प्लगइन पे जाऊँगा एड न्यू, एड न्यू पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे अल्टीमेट मेंबर, और उसके बाद ये जो आ रहा है अल्टीमेट मेंबर, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर करो जो प्लगइन है उसके बहुत हाई इंस्टॉलेशन ऑलरेडी होने चाहिए, उसके रिव्यूज़ अच्छे हो। कोई अगर आप छोटा मोटा प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो जिसको बहुत से कम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट पे सिक्योरिटी इशू हो सकता है, हो सकता है आपकी वेबसाइट बंद हो जाए बिकॉज वो प्लगइन, हो सकता है प्लगइन में मे बी वायरस हो, या प्लगइन ठीक से टेस्टेड नहीं हो, या जो कोड है वो बेकार हो उस प्लगइन का। बस आपको ये मेक श्योर करना है आप जिसके रिव्यू अच्छे हैं वही प्लगइन हमेशा यूज़ करो। तो यहाँ पे आप जाओ इंस्टॉल नाउ पे। तो गाइज आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है बाकी के ऑप्शंस को यूज़ करना है।